कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने समाज के हर हिस्से में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया है। कर्नाटक के तुमकुर में रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज हर जगह महिलाओं को दबाया जाता है। साथ ही राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं की इज्जत नहीं करता। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शक्ति देने से देश की तेजी में प्रगति होगी। समाज के हर हिस्से में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। राहुल ने महिलाओं से राजनीति में आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आइए हम एक साथ देश को बदलें। जब तक महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया जाएगा, हमारा देश सुपर पावर नहीं बन पाएगा। राहुल गांधी की इस रैली की खासियत ये रही कि कांग्रेस उपाध्यक्ष की बातों को स्थानीय भाषा में अनुवाद करने के लिए एक शख्स मंच पर मौजूद था। पहले राहुल अपनी बात हिंदी में करते, फिर उनकी बात को कन्नड़ रूपांतर रैली के मौजूद लोगों को सुनाया जाता था। महात्मा गांधी स्टेडियम में राहुल के भाषण को वक्त पर मंच पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, कर्नाटक कांग्रेस के चीफ परमेश्वर, कानून मंत्री टीबी जयाचंद्र और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मौजूद थे। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।